स्टूडेंट्स, आपने लॉग इन किया है पीताम्बर एजुकेटर्स और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं बिकॉज बीएसटी का बोर्ड एग्जाम जो है वो जुलाई में होने वाला है। तो इतने टाइम ड्यूरेशन में जो लॉकडाउन में सबने बहुत सारी मस्ती करी है, तो हो सकता है कि आपने जो पढ़ा होगा वो भी आप भूल गए होंगे, तो उसी का एक क्विक रिविजन हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं सिलेबस पे और मार्किंग स्कीम पे। आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मार्किंग स्कीम दिख रही होगी जिसमें कि पार्ट वन जो है बुक का, उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों मिला के जो है 16 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। देन अगर हम बात करें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की, तो उन दोनों को मिलाकर बनता है 14 मार्क्स का चैप्टर, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 14 मार्क्स के इन दो चैप्टर्स में से आएंगे। एंड देन अगर हम बात करें लास्ट के तीन चैप्टर की, स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग की, तो वो तीनों मिलाकर हैं 20 मार्क्स के, यानी जो टोटल वेटेज बनेगा वो होगा 20 मार्क्स का। और अगर बात करें हम पार्ट बी की, तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट दोनों को मिला के 15 मार्क्स के चैप्टर हैं, एंड देन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उन दोनों को मिलाकर भी 15 मार्क्स का वेटेज जो है वो बनता है। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो ओवरऑल जो आपके डेज बचे हुए हैं, 9th जुलाई को आपका एग्जाम है, तो आपके पास अप्रॉक्स पूरा एक महीना है। उसमें आप जो भी कुछ भूल चुके हैं या कुछ भी आप रिवाइज करना चाहते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी थी बीएसटी और वो कहीं ना कहीं भगवान से ये दुआ मांग रहे थे कि भगवान काश कुछ और दिन मिल जाते हमें पढ़ने के लिए, तो फाइनली भगवान ने उनकी सुन ली और उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है मिल गया। तो आई थिंक उनको भी इस वीडियो के थ्रू रिवाइज कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए अपने सारे कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बाकी जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी इस चैनल की एक प्लेलिस्ट है जो बीएसटी 12th करके है, वहां पर आप देख सकते हैं, वो चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उनकी फीचर्स क्या है, क्या टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से, कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड एंड क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद बीएसटी। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो ये कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रुथ विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। सो अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो वो एक स्टेटमेंट है जनरल ट्रुथ की विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये एक टाइप की गाइडलाइन होती है जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। वो ये बताती है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन द पॉइंट विच इज टू बी नोटेड इज दैट दे आर नॉट रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपने उस चीज को पढ़ा और आपने उठा के जस्ट वो रूल अप्लाई किया और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसका रीजन क्या है ये भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। Why principles of management are not a ready-made solution for a problem? अब हमने अभी principles of management पढ़ा था, ये question 2010 और 11 में आ चुका है एक marks में कि principles of management की definition क्या है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि principles of management ready-made solution क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि principles of management guideline है जो manager को decision making में help करती है। और अब मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आप वो एक, यानी कि जो principles of management है वो ready-made solution नहीं है, यानी किसी problem में apply करके सीधे सीधे उससे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका एक सिंपल सा रीजन है। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एक मार्क्स में, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स का ही एक पार्ट है। तो अब ये रेडीमेड सॉल्यूशन क्यों नहीं है किसी प्रॉब्लम का, तो उसका सबसे पहला रीजन ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस। वी ऑल नो दैट नेचुरल साइंसेज लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो यूनिवर्सली वैलिड भी हैं, साथ ही साथ वो एग्जैक्ट हैं। यानी कि अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी का एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह हर वक्त काम करता है। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ ड्रॉप करता हूँ, सपोज मैंने पेन ड्रॉप कर दिया या इसको मैंने अपने मार्कर को ड्रॉप किया, तो वो नीचे डेफिनेटली गिरेगा। सेम वे में अगर आप अपने घर में अभी किसी बुक को या अपने पेन को, किसी भी चीज़ को अगर आप छोड़ेंगे, तो ऑब्वियस है कि जो ग्राउंड पे है वो गिरेगा ही गिरेगा। यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो हर जगह वर्क करेगा और इक्वली वर्क करेगा, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो हर बार सेम रिजल्ट आपको नहीं देते हैं। ये सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा भी है
कि दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, इनकी जो वैलिडिटी है वो यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह अप्लाई नहीं होते। वैसे कहा जाता है कि दे कैन बी अप्लाइड एट इन केस ऑफ ईच या एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट ये चीज जो है अपने आप में वैसे तो सही है कि आप हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में उसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन उससे मिलने वाला जो रिजल्ट होगा वो हमेशा डिफरेंट होगा। और यहाँ पे लाइन लिखी हुई कि एज डू नॉट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट एवरी टाइम। तो हो सकता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर हम एक फायर की बात करें, किसी फैक्ट्री में कहीं पे फायर ब्रुक आउट होती है, आग लग जाती है फैक्ट्री गोडाउन में कहीं पे भी, तो वहां पर अब क्योंकि ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है इन सारी चीज में, मैनेजमेंट में, और हम मैनेज किसको कर रहे हैं, इन सारी चीजों को कर रहे हैं जिसमें ह्यूमंस भी इन्वॉल्व है, तो उससे क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं हमारा जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है एंड वी रिएक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। हो सकता है उस आग को देखकर कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हों जो वहीं पे बेहोश हो जाएं, कुछ ऐसे भी होंगे हो सकता है जो बहुत ही अच्छे से उस चीज को डील करें, फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के केस में भी अप्लाई होती हैं कि वहां पे ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है, ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है, तो इसीलिए जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी डिफरेंट मिलेगा। तो यानी आप सेम रिजल्ट को अगर आप सोचेंगे, सेम प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको सेम उसका जो रिजल्ट है वो भी वैसे ही मिल जाए जैसा आपने पढ़ा था कहीं पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, इसको आप इसकी फीचर्स भी समझ सकते हैं। सबसे पहली फीचर या नेचर है जर्नल गाइडलाइंस। अब जर्नल गाइडलाइंस में सिंपल सा फंडा था जो अभी आपको मैंने बताया था कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ एक गाइडलाइन है, उनको आप ब्लाइंडली किसी सिचुएशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि भाई कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आपको नॉलेज थी कि हाँ, किसी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि आप एक बिजनेस हैंडल करते हैं और आपकी एक कंपटीटर फर्म है, वहां पे भी कुछ ऐसी सेम सिचुएशन आ जाती है और वो पर्टिकुलरली कोई एक एक्ट अप्लाई करता है उनका मैनेजर या कोई भी एक पॉलिसी फॉर्म करता है एंड वहाँ सारी सिचुएशन सही हो जाती है, एंड अगेन वही सेम प्रॉब्लम आपकी फॉर्म में आती है और आप सोचते हैं कि वो जो वहाँ पे अप्लाई किया था उस मैनेजर ने, वही रूल्स रेगुलेशन वही पॉलिसी मैं भी अप्लाई कर दूँ, तो जरूरी नहीं है कि आपको सेम रिजल्ट मिले, हो सकता है उससे बेटर रिजल्ट मिले और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट मिले। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है दे आर जस्ट गाइडलाइंस, वो आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि अगर सिचुएशन ऐसी होगी तो ऐसा भी किया जा सकता है, यानी कि दे आर नॉट रेडीमेड सॉल्यूशन। देन आता है सेकंड, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो अगेन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं कि किसी ने भी उठा और कुछ भी बनाया और ये हो गया, ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं डीप रिसर्च के बाद, प्रैक्टिस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स कर और उसके बाद रिसर्च के बाद ही फाइनली इनको फॉर्म किया गया है और इन थ्योरीज को अप्रूव किया गया है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें दैट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कोई चीज जो चेंज हो सके, तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, यानी एज पर द सिचुएशन आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हुआ है विच इज क्वाइट लार्ज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन, एंड आपकी फर्म जो है वो बहुत छोटी है उस फॉर्म में, मतलब उस के कंपैरिजन, तो उस वे में भी आप उसको, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उनको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अपनी फर्म में अप्लाई कर सकते हो। देन बात आती है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर टाइप की फर्म में अप्लाई हो सकते हैं, वेदर इट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, या अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी अप्लाई उसको आप कर सकते हैं, एक शॉप लेवल से लेके एक बड़ी कंपनी तक उसको अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मिलिट्री यूनिट हो, कुछ भी हो, आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के साथ है। देन आती है बात मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल जो है वो ये है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनका जो मेन फोकस होता है वो हमेशा होता है बिहेवियर को चेंज करने पे, यानी कि एम्प्लॉयज के बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो मैनेजर होता है वो टाइम टाइम क्या करता है, इन चीज़ों को यूज़ करता है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको यूज़ करता है, यानी कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो होता है एम्प्लॉयज के बिहेवियर पे और उनके बिहेवियर को इस वे में मोल्ड करना सो दैट अ फर्म कैन ईजिली अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी फंक्शंस हैं, उनका जो मेन एम है वो क्या है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। देन बात आती है लास्ट पॉइंट की, दैट इज कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब होता है कि सिचुएशनल। जो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डिपेंड करती है प्रिवेलिंग सिचुएशन पे, कि सिचुएशन किस टाइप की है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन आप जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
तो अगर हम बात करें अब इम्पॉर्टेंस की या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इंसाइट्स का मतलब होता है डीप नॉलेज। तो अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर्स को क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो उनको वो सारी चीजें बताते हैं जो उनकी पास्ट में गलतियां हुई हैं, यानी कि जो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो ये भी बताते हैं कि पास्ट में कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं। यही रीजन है कि आपके जो करिकुलम या आपका जो सिलेबस है उसमें बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन से, यानी काफी पहले से ही केस स्टडीज आना शुरू हो गया था। तो वो एक टाइप का क्या है, आप केस स्टडी करते हैं, देन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। तो सेम वे में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी क्या करते हैं, मैनेजर्स को चीजें बताते हैं, उन्हें बताते हैं कि कौन कौन सी गलतियां पास्ट में हुई हैं। और साथ ही साथ अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में उसी मैनेजर ने या उससे पहले भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ने वर्क किया है तो कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ गलती करी होगी कुछ डिसीजंस में, और वो जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसको रियलाइज करवाते हैं, तो वो ज्यादा बेटर वे में आप कह सकते हैं कि फ्यूचर के डिसीजंस लेता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप प्रैक्टिकली खुद भी समझ सकते हैं। आप कोई एक पर्टिकुलर वर्क करते हैं तो हो सकता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैव डन दैट पर्टिकुलर वर्क आपने कुछ ना कुछ गलतियां करी होंगी, और उन्हीं गलतियों के बेसिस पे फिर आप ये याद रखते हैं कि हाँ हमने ये गलती करी थी, तो नेक्स्ट टाइम हमें उस चीज को करते टाइम ये गलती नहीं करनी है, चाहे वो एक्सपर्ट किसी भी चीज से रिलेटेड हो। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इस चीज में भी हेल्प करते हैं, बिकॉज हम सबको पता है कि जो रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड एंड उनके जो यूजेस हैं वो काफी ज्यादा, यानी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसीलिए उनका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे में एक फर्म के पास भी, चाहे वो हम मटेरियल फिजिकल रिसोर्सेज की बात करें या ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, तो बहुत लिमिटेड होती है। तो हर फर्म चाहती है कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट जो है वो जनरेट हो सके। तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो मैनेजर को हेल्प करते हैं इस चीज में कि वो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करें, प्रॉपर वे में डिसीजन लें विदाउट गोइंग फॉर हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने एक तुक्का मारा और फिर आप ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा तुक्का मारता हूं और इस सिचुएशन में अप्लाई करके देखता हूं फिर रिजल्ट क्या होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क हो रहा होता है उसमें काफी ज्यादा बड़ी ह्यूज अमाउंट में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, मनी इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है रिस्क नहीं ले सकते हिट एंड मिस मेथड के बेसिस पे। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करता है या मैनेजर जो है वो ऐसे डिसीजन लेता है, विच एक्ट्स टू बी क्वाइट फ्रूटफुल फॉर द फर्म, और फर्म को उससे बेनिफिट मिलता है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव होते हैं। देन बताती है थर्ड पॉइंट की, दैट इज साइंटिफिक डिसीजन। तो अगेन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हेल्प करते हैं मैनेजर्स को टू मेक अ थॉटफुल डिसीजन। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अभी बना दिए गए हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, वो काफी अच्छी तरीके से रिसर्च करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद ही बनाए गए हैं। तो उनसे जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्वाइट आप कह सकते हैं कि अच्छा होता है और एक प्रॉपर मतलब लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड है इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो सारे फैक्टर्स जहां पे बिजनेस ऑपरेट होता है और वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो आपको इसमें भी हेल्प करते हैं कि आप जो चेंजिंग नीड्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, यानी जो बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टडी करके अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो प्रोग्रेस करवा सकते हैं। देन अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, दैट इज इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो अगेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने बहुत हेल्प करी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग आपको पता ही है कि क्या होती है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस विच इंक्रीजेस द नॉलेज ऑफ अ पर्सन अबाउट अ पर्टिकुलर वर्क। यानी एक पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड जो लर्निंग स्किल होती है, जो उसकी नॉलेज होती है, वो एनहेंस करने के लिए हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हर फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है, सेम वे में जो मैनेजमेंट होता है वो भी ये करता है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता है। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हेल्प से ही बनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो भी मैनेजमेंट एजुकेशन या रिसर्च की अगर बात करी जाए, यानी आज की डेट में आपको बीबीए एमबीए जैसे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, उनके करिकुलम का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। और ये जो कोर्सेज बने हैं ये भी क्या नाम है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसी बेसिस पे बने हैं, यानी इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे ही डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेज हैं आपको देखने को मिलते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो यहां पर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट भी कहा जाता है,
और उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है कि भाई जो टोटल वर्क है फर्म का उसको छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दो। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है शॉर्ट में, ताकि आप इसको शॉर्ट नोट से फॉर्म में बना लें। आप या वीडियो रिपीटेडली देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा इस चीज़ को, लेकिन अगर आप इसे कॉपी में नोट करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है कि भाई वर्क को डिवाइड कर दो पहले स्मॉल टास्क में, उसके बाद इसको असाइन कर दो मोस्ट सूटेड पर्सन को, यानी जो स्पेशलिस्ट है। आपने टोटल वर्क को पहले डिवाइड कर लिया स्मॉल टास्क में, उसके बाद आपने क्या किया स्पेशलिस्ट को असाइन कर दिया। और यही प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेपरेट डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि आपको एक केस स्टडी दे दी जाए और वहां पर आपसे बोला जाए कि ये एक फर्म है उसमें ये डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो उस केस में डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई होगा। अब इसी को दूसरे तरीके से भी मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे आपको कुछ इफेक्ट्स दे दिए, कुछ कंडीशंस दे दी गई और फिर आपको बता दिया गया कि क्या क्या हो रहा है इसमें, क्या सिचुएशन है, क्या नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको उसको स्टडी करते हुए बताना होगा कि कौन सा प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ वर्क की, तो इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क को अप्लाई करते हैं फर्म में, तो जो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि एक तो रिपीटेड परफॉर्मेंस होगी विच विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली गलतियां कम होंगी और एफिशिएंसी भी मेंटेन रहेगी, वेस्टेज नहीं होगा रिसोर्सेज का, एंड साथ ही साथ इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क भी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप इसको वॉयलेट कर देते हैं, यानी कि आपने क्या किया वर्क को डिवाइड नहीं करा है, आपने असाइन भी ऐसे, अगर आपने डिवाइड भी कर दिया तो ऐसे बंदे को असाइन कर दिया जो उसके लिए एफिशिएंट नहीं है, उसके लिए सूटेड नहीं है, तो अगेन प्रॉब्लम ये होगी कि काम टाइम पे नहीं होगा एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विल ऑब्वियसली सफर। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, इनएफिशिएंट ऑपरेशन भी होगा, साथ ही साथ लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन भी वहां पर रहेगा, यानी कि बंदा स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएगा। तो अगर हम बात करें सेकेंड प्रिंसिपल की, सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हेनरी फ्यूल के हिसाब से, मतलब पहले तो हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि हेनरी फ्यूल ने क्या कहा था। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स, यानी कि जब आप किसी को ऑर्डर्स देते हैं, या आप कह सकते हैं कि राइट टू टेक डिसीजंस, वो होती है अथॉरिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट असाइंड टास्क ऑन टाइम, यानी कि जब आपने किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है, उसके लिए ये ऑब्लिगेशन बन जाता है कि उसको टाइम पे काम पूरा कर कर देना है। तो अथॉरिटी किसके पास होती है, बॉस के पास, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो चली जाती है आपके सबऑर्डिनेट के पास। हेनरी फ्यूल के हिसाब से, या अगर हम वैसे भी थ्योरीज को देखें, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड, यानी कि जब हम किसी को अथॉरिटी देते हैं तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है, एंड सिमिलर वे में अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे बात करें इस प्रिंसिपल की, तो ये कहता है भी अगर एक्सेसिव अथॉरिटी होगी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपने अथॉरिटी किसी को बहुत ज्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उसको एज कम्पेयर टू अथॉरिटी बहुत कम दी है, तो उससे क्या होगा, इट विल लीड टू मिसयूज ऑफ पावर, तो पावर का जो है वो मिसयूज होगा। एंड सिमिलर वे में अगर आपने किसी को एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है लेकिन प्रॉपर अथॉरिटी नहीं दी है, तो ऐसी सिचुएशन में अगेन इट विल लीड टू फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका एक एग्जाम्पल भी हम समझ सकते हैं। सपोज एक सेल्स मैनेजर है और उसके अंडर एक टीम है जिसमें कि बहुत सारे सेल्स पर्सन जो है वो काम करते हैं। अब हो सकता है कि कंपनी की कोई पॉलिसी हो रिलेटेड टू क्रेडिट अवेलेबिलिटी, यानी कि वो जो क्रेडिट अवेल करवाएंगे अपने कस्टमर को, वो कुछ भी हो सकता है। सपोज मान लेते हैं 30 डेज की पॉलिसी लेके चलती है कंपनी, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल उस पर्टिकुलर गुड्स को डील कर रहा है, बेचने जाता है, जो कस्टमर है वो उससे एक्स्ट्रा टाइम लिमिट मांगता है कि मुझे इतना एक टाइम फ्रेम चाहिए, सपोज मान लेते हैं 60 डेज का क्रेडिट मांगता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो सेल्स मैनेजर है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है अपने उन सेल्स पर्सनल्स को कि नहीं यू विल हैव टू सेल दिस मच क्वांटिटी एंड ये टारगेट है, तो साथ ही साथ उनको थोड़ी बहुत अथॉरिटी मिलनी चाहिए ताकि वो डिसीजन जो है वो ले सके। अदरवाइज क्या होगा, अगर हर डिसीजन के लिए, छोटे से छोटे डिसीजन के लिए अगर उनको अपने सीनियर्स को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तो अगेन इट विल लीड टू द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है पूरे नहीं हो पाएंगे। एंड सिमिलर वे में अगर एक्सेसिव पावर दे दी गई, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बहुत कम दी है लेकिन आपने पावर जो है हद से ज्यादा दे दी है, तो उस पावर का ऑब्वियसली मिसयूज होगा। तो ये कहता है ये प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं और वहां पर आप एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा और हो सकता है कि आपको ज्यादा बेटर मार्क्स उससे मिलें।
तो इसीलिए जो एग्जाम्पल्स आपको बताए जा रहे हैं उनको जस्ट इसलिए बताया जा रहा था कि आप रिलेट कर सके कहीं ना कहीं। वैसे अगर मैं चाहता तो उस एग्जाम्पल को मैं एक क्लास मॉनिटर के उस बेसिस पे भी दे सकता था, यानी अब तो क्या जब आप सीनियर क्लासेस में होते हैं तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और उस चीज़ को एक बार आप रिकॉल करें अपने माइंड में कि क्लास का कोई एक ऐसा बच्चा जिसको मॉनिटर बना दिया जाता था एंड उसके पास क्या होता था, वो अपने आप को समझता था कि मेरे पास सारी पावर आ गई है, आई एम गोइंग टू कंट्रोल द क्लास, वो अपने आप को टीचर समझने लगता था। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा मिसयूज भी कई बार करता था, यानी उसके फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है कि दे आर टॉकिंग तो उनका नाम नहीं लिखेगा बोर्ड पे, लेकिन जिनसे वो थोड़ा बहुत चिढ़ता है एंड ऑल तो उनके नाम वो लिख देता है एंड टाइम टाइम उनकी कंप्लेन ही वो करता रहता। तो वो क्या था कि उसके पास पावर आ गई थी लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी, मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी, तो वहां पे क्या था पावर का मिसयूज हो रहा था। सेम वे में किसी को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कोई वर्क करवाने की लेकिन आपने उसको पावर्स नहीं दी है, तो अगेन आपको क्या होगा उसका लॉस होगा और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकता। सो फाइनली जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लेकिन आपने उसको पावर्स नहीं दिए, देन अगेन इट विल लीड टू द फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल्स। अब अगर हम बात करें थर्ड प्रिंसिपल की, तो थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हम सभी को पता है कि क्या होता है, तो फ्यूल के हिसाब से या हम सबके हिसाब से आप कह सकते हैं इट इज अ सिंसियरिटी एंड ओबीडियंस टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, और आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ फेथ और वन शुड हैव फेथ इन द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा फ्यूल का कहना था कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको फेथ होना चाहिए अपने सुपीरियर्स की बातों पर, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज पर। और फिर फ्यूल का कहना ये भी था कि जो पेनल्टीज हैं या जो आप पनिशमेंट्स कह सकते हैं वो नहीं दी जानी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, बहुत ही रेयरली जो है पनिशमेंट दी जानी चाहिए, अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाए तब, अदरवाइज। और उन्होंने साफ कहा था कि पेनल्टीज और पनिशमेंट्स जो है वो नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए। गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। साथ ही साथ फ्यूल ने यह भी कहा कि अगर हर लेवल पे यानी जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वहां पर अगर अच्छे सुपीरियर्स हों और फेयर एग्रीमेंट्स हों, फेयर एग्रीमेंट्स का मतलब कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फर्म की वो क्लियर होनी चाहिए हर एम्प्लॉय को, अगर उनको क्लियर है कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में इजीली जो डिसिप्लिन है वो फर्म में मेंटेन हो सकता है। साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज जो है, अगर जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज होगा यानी कि जो पेनल्टीज जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो सबके लिए जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कोई बहुत ही फास्ट फ्रेंड है तो आप उसके ऊपर पेनल्टीज नहीं लगा रहे हैं, उसको थोड़ी बहुत रियायतें दे रहे हैं एंड बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर आप बहुत ही हैवी पेनल्टीज लगा दे रहे हैं, फाइन्स लगा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए जस्ट एंड फेयर एंड आप कह सकते हैं इक्विटेबल रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन होगा, और अगर डिसिप्लिन होगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो इजिली अचीव हो जाएंगे। अब ये जो वर्ड या जो लाइन है हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये हर रूल में अप्लाई होती है, हर जगह अप्लाई होती है, मैनेजमेंट के हर प्रिंसिपल में अप्लाई होगी, इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के केस में भी ये चीज़ अप्लाई होगी। जहाँ पर आप लिखेंगे कोई भी स्टेटमेंट तो आप वहाँ पे इसको डालेंगे कि इट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ दिस दिस ऑब्जेक्टिव, इट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये तो नेसेसरी है ही है, इस बेसिस पे आप बना सकते हैं। और मैं आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स दूंगा और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनके बेसिस पर आप इजिली मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सब में लगभग कॉमन है, तो वो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि वो पॉइंट्स कौन से हैं, एंड बहुत जल्द मैं आपके लिए वीडियो और लेके आऊँगा जिसके थ्रू आप ये भी जान सकेंगे कि कैसे बीएसटी में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें डिसिप्लिन की ही, कि अगर डिसिप्लिन जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, तो उसमें सबसे पहले चीज़ ये कहता है कि इट हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से ही वर्क कर रही होंगी। इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एज वर्क इज डन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड्स। जो वर्क है वो एज पर स्टैंडर्ड्स हो रहे होते हैं, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहे होते हैं, प्रॉपर वर्क फ्लो बना होता है और ईजिली आपके जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो अगर ये नहीं होगा या डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ जो है इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो अनहेल्दी रिलेशनशिप होंगी वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में, देन स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं होगा बिकॉज डिसिप्लिन नहीं है। तो अगर हम उसके एग्जाम्पल की एक बात करें तो एक सिंपल सा फंडा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयज के पास कोई डेडलाइन नहीं होगी, एम्प्लॉयज लेट पहुंचेंगे,
कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा होगा, चीजें इधर से उधर कहीं भी पड़ी होंगी, कुछ भी, मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा होगा। तो अगर प्रॉपर वे में कोई काम नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं तो अचीव हो ही नहीं सकते, कि हर काम क्या होगा, डिले हो जाएगा। किसी का मन करेगा वो करेगा, किसी का मन करेगा वो नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या होगी सिचुएशन कि जो आपके टारगेट्स हैं या आपका जो वर्क है वो क्या होगा, ओवरलैपिंग होती जाएगी होती जाएगी, एंड फाइनली इट विल लीड टू द डाउनफॉल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें जो है यूनिटी ऑफ कमांड, तो यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्यूल का कहना यह था कि भाई जो इंडिविजुअल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर इंडिविजुअल या ग्रुप जो है उसको जो ऑर्डर्स मिलने चाहिए वो सिर्फ एक सुपीरियर से मिलने चाहिए, साथ ही साथ वो आंसरेबल भी उसी को हो। अगर एक से ज़्यादा बॉसेस होंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जो पर्टिकुलर पर्सन लीड कर रहा है उस ग्रुप को, यानी अगर सपोज मान लेते हैं दो लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, दो बॉसेस हैं, तो होगा क्या कि एक बॉस आएगा वो कुछ और इंस्ट्रक्शन हो सकता है दे कि इस काम को करना है, एंड एट द सेम टाइम कोई और बॉस आएगा और वो क्या बोलेगा कि इस काम को करना है। तो उससे क्या होगा, उन वर्कर्स में कंफ्यूजन होगा और वो उस काम को नहीं कर पाएंगे। आप उसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज कहीं पे एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके अंडर जो है वो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो लेबर्स होती हैं वो काम कर रही हैं। तो अब वहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने दो सुपरवाइजर्स को रख दिया, तो अब वो सुपरवाइजर्स क्या कर रहे हैं, उन जो लेबर्स हैं उनको लीड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। लेकिन अब एक सुपरवाइजर आता है और वो मजदूरों को कुछ बोलता है, लेबर्स को कुछ बोलता है कि आपको ये करना है, एंड सडनली कुछ टाइम बाद जब वो लेबर्स वो वर्क कर रहे हैं तो दूसरा वाला सुपरवाइजर आता है और वो बोलता है कि ये क्यों कर रहे हो, ये वाला वर्क करना है। तो उससे होगा कि उनके बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि हम किसका किसकी बात माने, यानी कि पहले वाले बॉस की बात माने या जो दूसरा बॉस है उसकी बात माने। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि जो वर्कर्स हैं वो एक्सक्यूजेस बना सकते हैं, हो सकता है कि वो दोनों में से किसी का भी काम ना करें और उनको एक्सक्यूजेस दे दें कि वी आर डूइंग पर्टिकुलर वर्क जो हमें इस बॉस ने असाइन किया है इसीलिए, एंड एट द सेम टाइम दूसरे बॉस को वो बोल दें कि पहले बॉस ने वर्क दिया था तो हमें वो करना ज़रूरी है। एंड इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि इससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क भी होती है भाई, अब क्योंकि एक्सक्यूजेस बन रही हैं, काम नहीं हो रहा है, तो वर्क भी क्या होगा, ओवरलैप होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, एंड फाइनली इट विल लीड टू डिस्टर्बेंस इन ओवरऑल प्रोसेस। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप कर रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, एंड यू वोंट बी एबल टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रिंसिपल की, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई वन हैड वन प्लान फॉर अ ग्रुप एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, यानी ऐसी ग्रुप एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव सेम है तो उनका जो बॉस होना चाहिए वो भी एक होना चाहिए। यानी अगर कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसी ग्रुप एक्टिविटी है जिसका ऑब्जेक्टिव सेम है, तो उसका जो हेड होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए और पूरी की पूरी जो प्लान्स हैं या पूरी प्लानिंग जो है वो भी सेम होनी चाहिए। ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज आर ग्रुप टुगेदर एंड कंट्रोल्ड बाय वन मैनेजर, यानी सारी की सारी एक्टिविटीज जो रिलेटेड है उनको एक साथ ग्रुप करा जाता है और उनको एक ही मैनेजर अगर लीड करे तो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि इससे कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगा। यही रीज़न है, यही प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें सेल्स की, सो सपोज सेल्स डिपार्टमेंट है किसी भी कंपनी में, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है तो उसका सेल्स मैनेजर होता है। अब वो सेल्स मैनेजर क्या करता है कि सारी की सारी एक्टिविटीज रिलेटेड विद सेल्स वो मैनेज कर रहा होता है, वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि वहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो अप्लाई हुआ है, यानी कि सारे के सारे जितने एम्प्लॉयज हैं सेल्स डिपार्टमेंट में वो सारे के सारे एक ही ऑब्जेक्टिव को लेके, कि अगर सेल को इंक्रीज करना है तो वो क्या करेंगे, सबके सब उसी तरह वर्क करेंगे, उनका प्लान जो है वो एक ही प्लान है, सारी एक्टिविटीज को एक साथ ग्रुप किया जाएगा और उनका हेड भी कौन होगा, एक ही होगा जो उनको लीड कर रहा होगा, सो दैट अ फर्म कैन इजीली अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जितने भी आपके सबॉर्डिनेशन होते हैं, यानी कि जो आपके फर्म में वर्क कर रहे हैं लोग, उन सब के अपने अपने क्या होते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि एक रीज़न होता है फर्म ज्वाइन करने का, एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी बंदे ने फर्म ज्वाइन करा हो जस्ट कि उसको एक जॉब करनी थी, उसे एक जॉब चाहिए थी इसीलिए, हो सकता है किसी ने इसीलिए ज्वाइन करी हो फर्म टू गेट अ सोशल रिकग्निशन, हो सकता है किसी ने इकोनॉमिक कंडीशन को अपनी अच्छी करने के लिए, सुधारने के लिए मतलब जॉब ज्वाइन करी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जॉब ज्वाइन करने का। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो भी अकॉर्डिंगली क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जो बंदा कैजुअली, जिसने मतलब सपोज वर्क ज्वाइन कर लिया, उसने एक जॉब, उसको एक जॉब चाहिए थी, उसने जॉब ज्वाइन कर लिया, फाइनेंशियली वो बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है,
तो हो सकता है कि वो वर्क को उतना सीरियसली ना ले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल ना करे। सिमिलर वे में हो सकता है जिस बंदे ने फर्म ज्वाइन करी है जस्ट टू अर्न मनी, कि उसे सैलरी चाहिए, उसे काम करना है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारनी है, हो सकता है कि उसका जो वर्किंग स्टाइल हो वो बहुत ही अलग हो, हो सकता है कि वो अपनी यानी जो नीड्स है उनको प्रायोरिटी देने लगे। एंड इस पूरी की पूरी प्रोसेस में हो सकता है कि इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो सेक्रीफाइसिंग स्टेज पे ले आए, कि उनको सेक्रीफाइस करने को तक तैयार हो जाए, वो सिर्फ ये चाहता है कि वो अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर ले। तो ऐसी सिचुएशन में जो रोल आता है वो आता है मैनेजर का, यानी कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई सबके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट उनको कंबाइन करो और एक जनरल इंटरेस्ट में उसको कन्वर्ट करो, यानी कि सबके एफर्ट्स को यूज करो एंड कहाँ यूज करना उन एफर्ट्स को, फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में वो सारे एफर्ट्स को यूज करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे होंगे, बट इस पूरी प्रोसेस में जो रोल होता है वो फिर यहाँ पे मैनेजर का आ जाता है। अब ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये आप इस YouTube चैनल की जो प्लेलिस्ट है BST वाली वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर का वो पार्ट है, आपको शायद पता ही होगा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का भी, कि ये मैनेजर जो होता है इस सिचुएशन में हमेशा उसको वर्क करना होता है टू ऑब्टेन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप कोऑर्डिनेशन के बारे में भी फर्स्ट चैप्टर से पढ़ सकते हैं। सेवंथ प्रिंसिपल है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो अगर हम बात करें रेमुनरेशन का मतलब होता है जो सैलरीज एंड पर्क्स एम्प्लॉयज को मिलते हैं वो। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयर वेजेस मिलनी चाहिए, यानी कि उनको प्रॉपर वेजेस जो है वो दी जानी चाहिए, सैलरी जो भी आप उनको पे कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, इट शुड बी सेटिस्फैक्ट्री टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। साथ ही साथ जो सैलरी पैकेज आप डिसाइड करते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, यानी कि उससे एम्प्लॉयर भी खुश हो और एम्प्लॉय भी। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय खुश कब होंगे, इट शुड प्रोवाइड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज तभी खुश होंगे जब वो सैलरी ऐसी होगी जो उनको रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करेगी, यानी कि उनके पास एटलीस्ट इतना पैसा आना चाहिए जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल कर सकें और साथ ही साथ कुछ पोर्शन उसका बचा भी सकें फॉर देयर फ्यूचर नीड्स। साथ ही साथ एम्प्लॉयर खुश होगा तब जब वो पैकेज जो है वो विद इन पेइंग कैपेसिटी ऑफ फर्म होगा, यानी कि फर्म जो अर्न कर रही है अमाउंट, जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसके अकॉर्डिंगली ही वो सैलरी पैकेज होना चाहिए। अगर आप अपनी पेइंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फिर चांसेस होंगे कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, यानी फर्म के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा एंड फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो अगर रेमुनरेशन वाला प्रिंसिपल प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि इट विल क्या नाम है हेल्प यू इन जनरेटिंग बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग्स द एम्प्लॉयज और फ्रॉम द एम्प्लॉयज, और आप इजीली अपने टारगेट्स को पूरा कर सकेंगे, बिकॉज प्रॉपर सैलरी एंड वेजेस देने से एंड टाइमली देने से जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काफ़ी खुश रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा बेटर जील के साथ वर्क करते हैं। एंड इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर प्रॉपर सैलरी पैकेज नहीं होगा, टाइमली उनको नहीं मिलेगी सैलरी, तो अगेन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, डिससेटिस्फैक्शन होगा एंड जो पूरी फर्म में उसकी वर्किंग जो है वो अफेक्ट होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर ओनली इन वन हैंड, यानी कि जब सिर्फ एक बंदे के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीके से पावर्स को डेलीगेट कर देना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या अपने पावर्स को जो है वो एक से ज्यादा लोगों को दे दिया हो तब। अब ये डिपेंड करता है अपॉन द साइज of the organization, ability of superiors and subordinates. जो firm होती है उसका size जो होता है वो affect करता है। अगर कोई firm जो है वो बहुत बड़ी है, यानी कि उसका जो area of operation है बहुत बड़ा है, तो ऐसी situation में वो organization जो है वो decentralized होगी, यानी उसमें decentralization की जरूरत पड़ेगी। अब क्यों, इसको एक सिंपल से example से हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक business start किया एक restaurant का, तो starting में आपके पास सिर्फ एक restaurant था तो आपके लिए उसको मैनेज करना बहुत इजी था, आप खुद ही उसको मैनेज कर रहे थे, सारे डिसीजंस आप खुद ले रहे थे और काम बहुत बढ़िया चल रहा था। अब विद द टाइम क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगते हैं, आपका जो रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर हो जाता है, आपके पास रिक्वेस्ट आने लग जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से कि भाई यहाँ पर आपको बिजनेस करना चाहिए, यानी आपके जो कस्टमर्स हैं जो डिफरेंट सिटीज़ से आपको आके विजिट करते थे वो रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि आप उनकी सिटी में भी अपना रेस्टोरेंट ओपन करें।
अब आप क्या करते हैं, रेस्टोरेंट ओपन कर देते हैं। सिमिलर वे में क्या होता है, आप और पॉपुलर हो जाते हैं और धीरे धीरे इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में, इवन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, आपकी बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो ओपन हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में आपके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप हर जगह पहुंच जाएं, हर अपने रेस्टोरेंट को विजिट कर सकें सेम डे, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है और उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में हो सकता है आप 2-3-4 सिटीज़ घूम लें, 2-3 स्टेट्स घूम लें, वहाँ पर आप अपना काम कर लें, देख लें, लेकिन आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप डेली इतने सारे रेस्टोरेंट्स को विजिट कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो वहाँ मैनेजर्स को रखेंगे, उनको आपको कुछ पावर्स देनी पड़ेंगी डिसीजन मेकिंग के लिए, और उसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर फर्म साइज में बड़ी होगी यानी ग्रो करेगी, तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ पर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अक्सर केस स्टडी के फॉर्म में इसमें आते हैं, तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर हम बात करें स्केलर चेन के प्रिंसिपल की, तो स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, पहले तो हम समझ लेते हैं एक्चुअली ये है क्या। इट रेफर्स टू अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये एक पूरी की पूरी चेन है जो अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन की है, जो टॉप से बॉटम को आती है। अब इस सिचुएशन में क्या है, जो ए है आप उसे समझ सकते हैं कि सुपीरियर है, वो टॉप लेवल पर बैठा हुआ है, एंड देन बी सी डी ई एफ जी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स हैं और डिफरेंट लेवल पे है। अब यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो बी और ई है वो सेम लेवल के मैनेजर्स हैं, सी और एफ भी सेम लेवल पे हैं, एंड डी और जी भी सेम लेवल पे हैं। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन की बात करी जाए, नॉर्मल सिचुएशन की बात करी जाए फर्म में, तो अगर डी को कम्युनिकेट करना है जी से, तो उस सिचुएशन में डी को मैसेज पास करना होगा सी को, सी पास करेगा बी को, बी ए को, ए ई को, ई एफ को, एन एफ जी को। सिमिलर वे में अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम चल रहा एक्शन है, तो उस सिचुएशन में अगर एफ को डी से कांटेक्ट करना है, तो अगेन प्रोसेस ऐसी चलेगी, एफ ई को बताएगा, ई जो है वो ए को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा, ए से बी में जाएगी इन्फॉर्मेशन, बी से सी के पास जाएगी, देन डी। अब ये क्या है, ये एक लॉन्गेस्ट रूट है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को देखकर, और ऐसे में होती क्या प्रॉब्लम की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या होगी, डिस्ट्रॉट होगी। तो यहाँ पर क्या है, हेनरी फ्यूल का कहना ये था कि नॉर्मल कोर्स में तो चलो ये चेन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड जो है वो ऐसे यूज होगी, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो सेम लेवल पे मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट कर सकें। तो ये जो शॉर्टेस्ट वे है जिसका यूज किया जा सकता है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, उसी को कहा गया है गैंग प्लान। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की, तो ऑर्डर का मतलब यहाँ पे किसी को ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस देना नहीं है, इस ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट। हेनरी फ्यूल का कहना ये था कि भाई हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस होनी चाहिए, मैन मटेरियल हर चीज़ जो होती है अगर वो एक प्रॉपर स्पेस पे, मतलब प्रॉपर प्लेस पे होगी, तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि इन केस व्हेन यू विल बी नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं अपने किचन से। आप अपने किचन में अगर ऑर्डरली सारी चीज़ें अरेंज करके रखते हैं, आपकी मदर हो सकता है रखती होंगे सामान को, या आप खुद रखते होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हर चीज़ ऑर्डरली फॉर्म में होगी, यानी आपको पता होगा कि कहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, आपको पता होगा कि कहाँ पे चाय पत्ती रखी है, कहाँ शुगर रखी है, कहाँ पे सॉल्ट रखा हुआ है, तो वो सब कुछ क्या है, वो ऑर्डरली अरेंजमेंट है, वो सारी चीज़ें ऑर्डर में अरेंज करी गई हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो जब आप किचन में कुकिंग कर रहे होंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिमिलर वे में फ्यूल का कहना ये था कि ऑर्गेनाइजेशन में भी हर चीज़ के एक स्पेसिफिक प्लेस होनी चाहिए। यही रीज़न है कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे ऐसे फ्लो चार्ट्स देखने को मिलते हैं, डायग्राम्स आपको देखने को मिल जाते हैं जब आप किसी फैक्ट्री में या किसी कॉलेज में एंटर करते हैं, वहाँ पे विंग्स ब्लॉक सबके कई बार वहाँ पे मैप्स लगे होते हैं जो बताते हैं कि इस जगह पे जाएंगे तो ये मिलेगा, यहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा, तो वो सब कुछ क्या है, वो इसी ऑर्डरली फॉर्म या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करते हुए ही बनाया गया है। अब इससे फ़ायदे क्या है, अगर हर चीज़ ऑर्डर पे होगी, यानी कि हर एक स्पेसिफिक आपने प्लेस डिफाइन करी और वहाँ पे वो सामान है, तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा कि इट विल लीड टू इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आपके टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, एंड साथ साथ इफेक्टिवनेस भी मेंटेन रहेगी, बिकॉज हर काम क्या होगा, लेस कॉस्ट में हो जाएगा, ज़्यादा बेटर आउटपुट मिलेगी, एंड ईजिली आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाएंगे। अब बात करी जाएगा नेक्स्ट प्रिंसिपल की, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में हेनरी फ्यूल का कहना यह था
कि भाई हर एक एम्प्लॉय जो है उसको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी कि सारा का सारा जो फोकस था वो काइंडलीनेस एंड जस्टिस पे था, कि जो बिहेवियर है मैनेजर्स का टुवर्ड्स द एम्प्लॉय या टुवर्ड्स देयर सबऑर्डिनेट्स वो जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए और सबके लिए सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसको कुछ और ही एक्स्ट्रा केयर दे रहे हैं एंड किसी को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हेनरी फ्यूल ने कहा था कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर कास्ट रिलीजन और बिलीव, किसी भी बेसिस पे, यानी इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो बेसिस नहीं होना चाहिए और किसी भी एम्प्लॉय में आप डिफ्रेंशिएट ना करें। साथ ही साथ इस प्रिंसिपल में ये भी कहा गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल, जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर इक्विटी फॉलो होगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अगर हम फॉलो करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्वियसली अगेन जो इसके बेनिफिट्स होंगे वो यही होगा कि जो एम्प्लॉयज होंगे वो हाईली मोटिवेटेड होंगे, दे विल हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड दे विल वर्क विद मोर जील एंड विद मोर एफर्ट्स, क्या नाम है, दे विल गिव देयर मोर एफर्ट्स फॉर द फर्म एंड देन अगेन द फर्म विल बी एबल टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ईजिली। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियस है कि सब कुछ इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि अगर आप वहाँ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो इट विल लीड टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग्स द एम्प्लॉयज एंड अगेन दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली। तो 12th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब ये है कि हेनरी फ्यूल का कहना ये था कि भाई जब कोई एम्प्लॉय फर्म को ज्वाइन करता है तो उसको एक मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो दिया जाना चाहिए सो दैट ही और शी कैन वर्क अप टू द लेवल एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओनली हिज और हर परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड। अब ऐसा हेनरी फ्यूल ने क्यों कहा? हेनरी फ्यूल ने ऐसा इसीलिए कहा बिकॉज अगर एम्प्लॉयज को फ्रिक्वेंटली चेंज किया जाए, यानी कि आप बार बार क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को चेंज कर रहे हैं, या कई बार ये ऐसे भी होता है कि आप इसको एम्प्लॉय टर्नओवर भी कह सकते हैं, अगर एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो आपको बहुत ज़्यादा है, बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है? एक प्रॉब्लम तो ये है कि इट विल लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, क्योंकि भाई बार बार आपको एक रिगरस प्रोसेस फॉलो करनी होगी, रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट देना होगा, फिर आप इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, फिर एक बंदे को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसे ट्रेनिंग देंगे एंड लास्ट में क्या होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया है उससे वो बंदा जो है डिससेटिस्फाई हो रहा है और वो फॉर्म को छोड़ के भाग जाता है, तो अगेन क्या होगा, फिर ये प्रोसेस दोबारा चलेगी। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और आएगी कि जो पुराना एम्प्लॉय होता है, यानी कि जो उस पोजिशन में होता है और वर्क कर रहा होता है, वो क्या होता है, वो फेमिलियर हो चुका होता है विद द वर्किंग स्टाइल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, उसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सारी चीज़ें पता होती हैं, तो ऐसे में चांसेस बहुत कम होते हैं कि कोई मिस्टेक्स हो। लेकिन जब आप एक नए एम्प्लॉय को लेके आते हैं तो फिर क्या होता है, वो एम्प्लॉय को टाइम लगता है चीज़ें समझने में, सीखने में, और वर्क को भी उसे सीखना समझना पड़ता है विच टेक्स अ टाइम, तो वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि स्पेशलाइजेशन भी तभी आएगा जब आप रिपीटेडली उस टास्क को कर रहे हैं एंड दैट टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए हेनरी फ्यूल का कहना ये था कि भाई एम्प्लॉय को जब आप लेके आ रहे हैं, सेलेक्ट करके ला रहे हैं, तो उसको आपको अप्रोप्रिएट टाइम देना चाहिए और उस मिनिमम टाइम फ्रेम के बाद ही फिर आपको उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयज़ को फ्रिक्वेंटली चेंज करेंगे तो अगेन इट विल लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विल नेवर बी अचीव्ड। तो हम बात करते हैं सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल की, दैट इज 13th प्रिंसिपल, वो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि जब आप पहला एक्शन, पहली स्टेप लेते हैं वो भी सेल्फ मोटिवेशन से, जब आप खुद मोटिवेटेड होते हैं और आप कोई एक्शन लेते हैं, किसी चीज़ को करते हैं, कोई मतलब कोई भी स्टेप लेंगे पहली, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। तो हेनरी फ्यूल का कहना यह था कि भाई एम्प्लॉयज जो हैं हर एक लेवल पे उन्होंने एक्शंस लेने चाहिए विदाउट एनी फोर्स और बाउंडेशन, उनको यानी कोई फोर्स ना करे कि भाई एक्शन लो या तुम प्लान बनाओ या बताओ या हेल्प करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके अंदर खुद ये फीलिंग डेवलप होनी चाहिए कि हाँ उन्हें कुछ एक्शन लेने हैं, कुछ काम करना है, और वो विदाउट बाउंडेशन या फोर्स होना चाहिए। दे शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। इसके साथ ही हेनरी फ्यूल का कहना यह भी था कि एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाना चाहिए, हर एक लेवल पे जो एम्प्लॉयज हैं उनको एनकरेज किया जाना चाहिए कि भाई आप कुछ प्लान्स जो हैं वो डेवलप करिए, कुछ नई टेक्निक डेवलप करिए एंड उसे कॉन्ट्रीब्यूट करिए, शेयर करिए, ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी हो सकें, यानी कि जो भी टेक्निक अभी चलती आ रही है, ट्रेडिशनल टेक्निक यूज़ हो रही है फॉर्म में, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें जो है एम्प्लॉयज़ को अपना एफर्ट जो है वो देना चाहिए, ये हेनरी फ्यूल का कहना था। तो ये है आपका इनिशिएटिव प्रिंसिपल।
अब हम बात करते हैं 14th प्रिंसिपल की हेनरी फ्योल की, वो है एस्पिरेट डी कॉर्प्स। इसका मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ या यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि हम सभी को पता है एकता में शक्ति होती है। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल ने भी यही चीज बोली थी कि भाई अगर यूनिटी होगी तो स्ट्रेंथ भी होगी। इसका इस प्रिंसिपल का जो मेन फोकस है वो है टीम वर्क पे, यानी कि हेनरी फ्योल का कहना कहीं ना कहीं ये था कि टीम वर्क, यानी देयर शुड बी अ टीम वर्क, जो बिल्डिंग अप है टीम की उस पर फोकस किया गया था कि टीम वर्क होना चाहिए। एंड हेनरी फ्योल का कहना ये था कि अ मैनेजर शुड ऑलवेज रिप्लेस आई विद वी, यानी कि जब एक मैनेजर बार बार कहेगा मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, तो उससे क्या होता है कि जो ग्रुप है कहीं ना कहीं उनके बीच में हो सकता है कि डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो, बिकॉज मैनेजर क्या करता है ग्रुप को लीड कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मर कौन होते हैं वो वही सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वही वर्कर्स होते हैं जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हेनरी फ्योल ने सजेस्ट किया था कि अगर आप आई वर्ड को रिप्लेस करके वी यूज करेंगे, हम लोग मिलकर ऐसा करेंगे, हम मिलकर एक साथ ऐसा कर सकते हैं या हम ऐसा करेंगे, तो उससे क्या होता है कि वो जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड होते हैं एंड दे परफॉर्म विद अ बेटर एफर्ट एंड इन अ बेटर मैनर। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल को भी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है, और हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल में इन शॉर्ट जो फोकस किया था वो किया था बिल्डिंग अप ऑफ टीम वर्क। तो अगर इसको प्रॉपरली आप अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे एक तो पहली चीज़ ये होगी कि इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग्स एम्प्लॉयज, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर एक फीलिंग आएगी ऑफ बिलोंगिंगनेस, उनको लगेगा कि हाँ वी आर अ पार्ट ऑफ फर्म, और ये जो मैनेजर है ये हमें अपना फैमिली मेंबर जैसा समझता है या अपने से रिलेटेड समझता है। तो वो हो सकता है कि वो जो मैनेजर है उसकी बातों को मानेंगे, समझेंगे और काम को ज़्यादा बेटर तरीके से करेंगे। आई होप ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट की, या प्रिंसिपल्स गिवन बाय टेलर। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, पुराने वीडियोस को देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।